हमीरपुर के भांड नंबर 5 में एक परिवार पर डंडा और कुल्हाड़ियों से हमला कर 4 लोगों को लहूलुहान कर दिया। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। हमीरपुर उपमंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों और नगर परिषद हमीरपुर के कुल 25 मकानों में अब सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। हमीरपुर शहर में भू माफिया को लेकर कांगड़ा बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने तलख रवैया अपनाते हुए प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वयस्कों को कोविड की खुराक देने के मामले में हिमाचल प्रदेश ने 38% लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाकर पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सुजानपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने बताया कि बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुजानपुर के कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाया था, उसको सामने लाना लाजमी था। सीटू के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालयों कार्यस्थलों गांव तथा घर द्वार पर मजदूरों की मांगों पर धरने प्रदर्शन किए गए। पूरे विश्व को कोरोना वायरस महामारी ने झिझोड़ कर रख दिया। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश एवं प्रदेश भी नहीं बच पाए। ज्वालामुखी उपमंडल में शनिदेव की जयंती कोरोना नियमों व सोशल डिस्टेंस के साथ मनाई गई। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी नरेश पाल गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा नोडल युवा मंडल राज्य युवा बोर्ड के माध्यम से विकास गतिविधियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने तथा ग्रामीण स्तर पर स्थापित युवा क्लबों के कार्य को अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से युवा संस्थाओं और युवा मंडलों को क्रियाशील किया जा रहा है।